7 सालों से तुमने किया ही क्या है गुरु? कुछ नहीं, यही सोचते रहे कि मैं हूं कौन। आज मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगी। जब तुम मुझे मिले तुम अपनी यादस्त खो चुके थे, लेकिन अब मैं तुम्हारा अतीत तुम्हें लौटाने जा रही हूं। देखो मेरी आंखों में, हो सकता है तुम्हारी बीती हुई जिंदगी तुम्हें नजर आए और आने वाली जिंदगी का रंग भी। मेरी ये बात ध्यान से सुनो। तुम डॉक्टर आर्यन राज सिंह, हर्ष राज सिंह और मृदुला के बेटे, दिया का भाई, श्रद्धा और तिमिर के पापा, दुर्गा के पति। कुछ याद आ रहा है? महाकाल संस्थान विराजत भूमोस, याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। 7 साल से तुम सब कुछ भूल कर बैठे थे, लेकिन कुछ बातें तुम्हें याद जरूर आती थी। तुम बेचैन हो उठते थे, खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बंदी बनाकर अपने पास रखा था। लेकिन आज धीरे धीरे वो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, करवाया गया था। तुम्हें कुछ धुंधली सी तस्वीरें याद आती हैं। उस रात तुम मंदिर गए थे अपनी पत्नी दुर्गा के साथ और प्रार्थना करने के बाद तुम और दुर्गा बाहर आए और दुर्गा ने तुमसे कहा कि 2 गाड़ियां हैं इसलिए हम अलग अलग जाएंगे। उसने हाथ हिलाकर अलविदा भी कहा था और फिर तुम चले गए और उसके बाद तुम्हारी गाड़ी खाई में गिर गई। जानते हो ये किसका काम था? तुम्हारी गाड़ी को खाई में गिराने के पीछे किसने खेल खेला था? तुम्हारी पत्नी दुर्गा ने। वो मंदिर में तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करने का नाटक कर रही थी, जबकि इस नाटक का अंत था तुम्हारी मौत। कब से वो तुम्हारी मौत का इंतजार कर रही थी? क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना नफरत क्यों करती थी? हो सकता है तुमने कुछ ऐसा काम किया हो जो उसे गलत लगा हो, लेकिन सच बात है आर्यन की, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुमने उस लड़की को अपनी जिंदगी में जगा दी, उसे चाहा जो सालों साल से तुम्हें चाहती थी। खुशी जो तुम्हारी जिंदगी थी, ये तो दुर्गा ही थी जो तुम दोनों के प्यार के बीच आ गई। उसने ऐसा जाल बिछाया जिसके चंगुल से तुम कभी निकल ही नहीं पाए। यहां तक कि जब तुमने खुशी से शादी कर ली तो उसने जबरदस्ती इस रिश्ते को तुड़वा दिया, तुम्हें मजबूर किया कि तुम खुशी को छोड़ दो। इसलिए नहीं कि दुर्गा तुम्हें बहुत चाहती थी, ना, वो तुम्हें कभी नहीं चाहती थी, बल्कि वो तुमसे नफरत करती थी, बदला लेना चाहती थी वो तुमसे। यहां तक कि ये औरत, मेरा मतलब है तुम्हारी ये पत्नी दुर्गा, दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन मैंने वो शादी तोड़ दी, टाल दी मैंने वो शादी। लेकिन अब भी दुर्गा तुम्हारे परिवार को धोखा दे रही है,
यहाँ तक के तुम्हारे बच्चे भी उसके धोखे का शिकार बन चुके हैं। क्या अब भी तुम कुछ नहीं करना चाहोगे आर्यन? कुछ नहीं करना चाहते हो तुम? जवाब दो। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? क्या चुपचाप इस अन्याय को तुम देखते रहोगे? जाके दुर्गा से कह दो कि अब तुम्हारी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। तुम उसके नहीं बल्कि सिर्फ खुशी के हो। अपने बीते हुए 7 सालों का बदला क्या तुम दुर्गा से नहीं लेना चाहते? जवाब दो आर्यन। दुर्गा, दुर्गा ने मुझे मौत देनी चाहिए और खुशी आज तक मेरा इंतजार कर रही है। खुशी, मुझे बुला रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उस आवाज में कितना दर्द था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपने मदद के लिए पुकार रहा है। लेकिन कौन हो सकता है वो? वो आवाज कहां से आई? ध्रुव तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो कहीं फंसा हुआ है और अपने बचाव की उम्मीद लगा बैठा है? लेकिन ध्रुव है कहाँ? वो कहाँ हो सकता है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि डॉक्टर मल्होत्रा ने आत्महत्या की थी। देखिए दुर्गा जी, मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्टर मल्होत्रा की मौत के साथ जुड़ी हुई हर रिपोर्ट हमारे पास है और उन रिपोर्ट में से अजीब सी बात उभर कर सामने आई है। डॉक्टर मल्होत्रा के शरीर में जो जहर पाया गया वो सांप के जहर से बिल्कुल मिलता जुलता ही है। तो डॉक्टर मल्होत्रा के शरीर पर सांप के काटने का कोई निशान नहीं है और उसी तरह का जहर उस जूस में भी पाया गया जो डॉक्टर मल्होत्रा अपनी मौत से पहले पी रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दुर्गा जी, ये देखिए उस ग्लास पर डॉक्टर मल्होत्रा की फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ कुछ अजीब से उंगलियों के निशान भी पाए गए। एक बच्चे के उंगलियों के निशान, बड़े अजीब से और अलग से निशान हैं। ये लीजिए, इसे देखिए। सबसे अलग तरह के ही उंगलियों के निशान हैं। दुर्गा जी, निशान के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? या इस तरह का निशान आपने पहले कहीं देखा? इसके बारे में आपको कुछ भी पता चले तो हमें उसी वक्त इन्फॉर्म कीजिएगा दुर्गा जी। और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए दुर्गा जी, वो जो कोई भी अब हमारे हाथों से बिल्कुल बच नहीं सकता। ये कैसा राज है, कैसा भेद है? तुम मेरे बचपन से ही और बच्चों से कितना अलग है। और अब पिछले कुछ दिनों से इसकी हरकतें कुछ और भी अजीब हो गई हैं। अब तो मुझे इसकी हरकतों से और भी डर लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे तुमने
किसी ऐसी बातों में उलझा हुआ है जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ मैं अपने बेटे को इन उलझनों से कैसे बचाऊँ? कुछ और है जो ध्रुव उस रात पढ़ रहा था या देख रहा था? बस नहीं मैडम, ये यही किताबें हैं और हमने ये पुलिस वाले को भी दिखाई थी। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं। शायद ध्रुव यही पन्ने पढ़ रहा था, लेकिन इसमें उसे कौन सी महत्वपूर्ण बात पता चल गई होगी? ये उस लड़के के साथ जुड़ी बात है। शैतानी शक्तियां वापस धरती पर लौटेंगी। उस बच्चे के मृत शरीर को मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। वो बच्चा, वो शैतानी शक्ति अति विनाशकारी है। वो अपने चारों तरफ तबाही फैला देता है। क्या वो वापस इस दुनिया में लौट आया है? उस बच्चे को मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। लगता है जो मम्मी हमें मिली थी वो उसी बच्चे की है। ध्रुव को जरूर कोई बहुत बड़ी बात पता चल गई है। और न जाने इसके बाकी के पन्ने भी कहाँ गायब हो गए। वो मम्मी भी उस रात ही गुम हो गई थी ना? हाँ, उसका कोई नामो निशान हमको मिला नहीं। और वो स्केच जो हमने मम्मी के चेहरे को देखकर बनाया था वो भी गायब हो चुका है। जैसा मैंने सोचा था, लगता है ध्रुव को उस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया था, और उस लड़के के बारे में भी जिसकी वो जगह है, और इस जानकारी की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पर अगर मुझे ऐसा लगा है कि वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, तो वो कहाँ हो सकता है? कहाँ है वो? पुलिस वाले भी इस जगह की तलाशी ले चुके थे, पर उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। पर न जाने मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम अचानक कहाँ गए? कैसे हुआ? क्यों हुआ? इन सब सवालों के जवाब मुझे यही मिलेंगे। यही जगह मुझे ध्रुव के बारे में सारे जवाब देगी। यही है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देता है। कुछ तो है यहाँ जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। खुशी, वो देखो। इसे मत करो खुशी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें टॉर्च पकड़ो। ध्रुव प्लीज खुशी। क्या हो गया? मैं तुम्हें बार बार मना करती रही, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
कहीं ये उसी मम्मी का स्केच तो नहीं जिसके बारे में ध्रुव बता रहा था? पर ये तो आधा हिस्सा ही है, इसका दूसरा आधा हिस्सा कहाँ गया? डॉक्टर मल्होत्रा के शरीर में जो जहर पाया गया है वो सांप के जहर से बिल्कुल मिलता जुलता ही, पर डॉक्टर मल्होत्रा के शरीर पर सांप के काटने का कोई निशान नहीं, और उसी तरह का जहर उस जूस में भी पाया गया जो डॉक्टर मल्होत्रा अपनी मौत से पहले पी रहे थे। उस ग्लास पर डॉक्टर मल्होत्रा की फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ कुछ अजीब सी उंगलियों के निशान भी पाए गए, एक बच्चे की उंगलियों के निशान। और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए दुर्गा जी, वो जो कोई भी अब हमारे हाथों से बिल्कुल बच नहीं सकता, बिल्कुल बच नहीं सकता। नहीं, मैं तुम मेरे को किसी मुसीबत में नहीं फंसने दूंगी, मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं उसे यहाँ से दूर, बहुत दूर ले जाऊंगी, अभी इसी वक्त। दुर्गा यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती है, उसे ऐसा करने से रोकना होगा। वो तिमिर को अपने साथ नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा सकती वो। दुर्गा ने हमेशा मेरे रास्ते में अड़चने खड़ी की है, एक बार फिर वो मेरे रास्ते में एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी होने जा रही है। तिमिर और माहिर के 7 साल होने में अभी भी 7 दिन बाकी है, और जब उन दोनों की ताकत एक जैसे हो जाएगी तो उसे खत्म करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी तिमिर के सर पर माहिर का जीवन दान दिया हुआ एक ऋण बाकी है, तिमिर को उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होगा पहले ही वार में। एक तो वक्त कम है, और दुर्गा रोज रोज हमारे सामने एक मुसीबत खड़ी कर रही है। अब लगता है ये काम मुझे आर्यन से ही करवाना होगा, अभी और इसी वक्त। आर्यन, तुम्हें दुर्गा को खत्म करना होगा, क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो?